लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तू रेशमा इतनी बड़ी हो गई, शर्मा गई, रेशमा जवान हो गई, हाय हाय, बिरजू, अरे कालू, अरे देख मैं, क्या हो गया इस गांव को, मुझे देखते ही मटका गिर गया और यहाँ कोई बोलता नहीं, हैं? यमिया, क्या हाल है? काका चल दिया, वाले? अरे काका, अरे लच्छू काका, नमस्कार, कैसे हो? अरे काका एक दिन, अरे काका मैं तो समझा था कि तुम अब तक ऊपर चले गए होगे, नहीं गए तो अच्छा हुआ। अरे बोलते क्यों नहीं? लगता है सारे गांव वालों को सांप सूंघ गया। अरे सांप क्या सूंघेगा, बलवंत को देखते ही बड़ो बड़ो की बोलती बंद हो जाती है। मत बोलो, हमें क्या, हम तो ऐसे ही पूछ रहे थे। लो आ गया जेल से छूटकर। जब तक जेल में था सुख से थे गांव वाले। अरे धर्म के बापू आप आ गए। मैंने सुबह सुबह आपका सपना देखा था। अच्छा, सुबह का सपना सच होता है, मेरे भगवान ने सुन ली। अरे वो तो ठीक है, लेकिन इस हवेली में खा पी के मेरी रानी कितनी चिकनी चिकनी हो गई है। हटिए भी, अपनी बेटी के बारे में नहीं पूछेंगे आप? मेरा बेटा, मेरा कोई बेटा भी है? हुँ? अरे तू कहती है तो मेरा ही होगा ना। कैसी बातें करते हैं आप, अब तो सुधर जाइए। अरे रानी बस एक बड़ा सा हाथ मार लो, उसके बाद एकदम सुधर जाऊंगा। भगवान के लिए अब आप अपनी पिछली जिंदगी भूल जाइए, जेल जाके जो बदनामी हुई है उसे अपनी ईमानदारी और मेहनत से दूर कर दीजिए, फिर देखना गांव वाले यही कहेंगे कि धर्मों का बापू सुधर गया है। सुधरेगा, जरूर सुधरेगा। ठाकुर साहब, प्रणाम ठाकुर साहब। ठाकुर साहब मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपसे वादा करता हूँ कि आइंदा कभी कोई चोरी चकारी नहीं करूंगा और ना ही मारपीट। शाबाश शाबाश बलवंत, मैं तो यही मानता हूं कि इंसान भगवान का रूप होता है, इंसान कभी भटक भी जाए तो भगवान उसे सच्चाई का रास्ता जरूर दिखाता है। अगर तुम अपनी भूल स्वीकार करते हो तो तुम भी एक सच्चे और ईमानदार आदमी की जिंदगी गुजार सकते हो। बस तो ठाकुर साहब एक मौका और दे दीजिए, मैं अपनी सारी जिंदगी आपकी सेवा करके आपके चरणों में गुजारना चाहता हूं। तुम तो पहले भी हमारी नौकरी करते थे ना, फिर शुरू कर दो। कल से अपनी जीप संभाल लो। जाओ जाओ। ये बलवंत को दोबारा नौकरी देकर आपने अच्छा नहीं किया, उसकी बीवी जितनी वफादार और ईमानदार है बलवंत उतना ही झूठा मक्कार और पापी है। कोई भी इंसान झूठा बेईमान या पापी पैदा नहीं होता, किसी ना किसी मजबूरी से बन जाता है। और फिर तुमने ये बात तो सुनी होगी कि चोर के हाथ में तिजोरी की चाबी दे दी जाए तो वो चोरी नहीं करेगा, वो भरोसे वाला तभी बनेगा जब हम उसके पहले कर्मों को भूलकर उस पर भरोसा करेंगे। आदमी रोबीला है, जवान है, ऐसा आदमी हमेशा अब हमारे साथ होना चाहिए। पिताजी सुबह चलना है ना? कहाँ जा रहे हैं बाप बेटे दोनों? पिताजी ने कहा था माँ को मत बताना, ये मर्दों वाली बात है। हाँ आज तो वाकई बहुत बड़े मर्द लग रहे हो। हाँ अच्छा पिताजी सुबह कितने बजे चलना है? ठीक है सुबह सुबह निकल चलेंगे। बलवंत तुम इधर ही ठहरो, हम जरा छोटे ठाकुर को शिकार खिलवा कर आते हैं, इधर उधर बहुत मिलते हैं। ठाकुर साहब मैं भी कहा ना तुम इधर ही ठहरो, ज्यादा आदमी होने से शिकार चौकन्ना हो जाता है। चलो बेटे। ठीक है। पुराना मंदिर है पिताजी, आप हमें यहाँ क्यों लाए हैं? आज हम तुम्हें एक राज बताने के लिए यहाँ लाए हैं बेटा।
कैसा रास पिताजी? अभी बताता हूँ, ये देखो। इतना सोना मगर यहाँ क्यों रखा है? हमने ये सोना बजरंग बली का मंदिर बनाने के लिए जमा किया, एक विशाल मंदिर। अब तुम बड़े हो रहे हो, हमने सोचा कि ये राज अब तुम्हें बता दिया जाए। हमारा कोई भरोसा नहीं बेटा, दिल की बीमारी है, पता नहीं कब क्या हो जाए। ऐसा ना कहिए पिताजी। कमाल है, ठाकुर साहब शिकार कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं? गोली की आवाज तक नहीं आई। बेटा ये अंगूठी देखो, बहुत कीमती है। सिर्फ कीमती नहीं, ये खास अंगूठी है। ऐसे क्या खास बात है इसमें? ये देखो, ये ऐसे खुलती है। ये नक्शा है। ये कैसा नक्शा है? इस मंदिर तक आने और तहखाना खोलने का नक्शा। बेटा अगर मुझे कभी कुछ हो जाए तो इस अंगूठी को संभाल कर हिफाजत से रखना। जिसके पास ये अंगूठी है वही इस खजाने का मालिक है और वही मंदिर बनवाए। चलो बेटे। तुम ठाकुर, खजाने के नक्शे वाली अंगूठी मुझे दे दो। बलवंत, दे दे मुझे।
अरे बादशाह, अरे ठेकेदार साहब, देखो बेचारे का कितना नुकसान हो गया, कुछ करो इसके लिए। नुकसान हो गया तो हम क्या करें? अरे कुछ तो करो। भैया, अरे देखो, अरे उठाओ। अरे बेटू, हमारे रास्ते में आके क्यों खड़ा हो गया है? धर्मू नाम है मेरा, अधर्मियों के रास्ते में हमेशा खड़ा हो जाता, उस गरीब का नुकसान चुका दे। अब हम जो तेरा नुकसान करेंगे वो कौन चुकाएगा? देखो बाबू, हिसाब किताब में हम थोड़ा कमजोर है क्या? आपस में जो भी लेन देन हुए उसका हिसाब तुम ही रख लेना। तुझे हिसाब सिखाने के लिए मेरा एक ही आदमी काफी है। खाले खाले, दोनों एक ही गुरु के चले हैं। जय बजरंगबली। हाँ तो ठेकेदार साहब, अपना हिसाब किताब तो चुकता हो गया, अब उस गरीब का भी हिसाब चुकता कर दो। बुलाओ उसको। अरे क्या बुलाओ उसको, देखता नहीं कितनी चोट लगी है, जाओ देखा लाओ। अरे जाओ। धर्मू, तू तो सचमुच हम गरीबों के लिए धर्म का अवतार है बेटा। अरे चाचा, धर्म के लिए तो धर्मू अपने बाप को भी ना छोड़े। ये पूछना तुम्हारा काम नहीं। देखो बादल सिंह, जैसा जैसा मैंने तुम्हें समझाया, अगर तुम उस पर अमल करते रहे तो एक ना एक दिन हम बहुत माल कमाएंगे। लेकिन याद रहे, ठकुराइन के वो सारे जेवर मुझे हर कीमत पर चाहिए। अरे बचाओ बचाओ, ये मेरी इज्जत लूटना चाहता है। अरे बचाओ, कोई है? सुनो, बचा लो मुझे। क्या हुआ? किधर है? पकड़ो, अरे क्या पकड़ू, ये तो पता क्या पकड़ू। छोड़ियो मत हमको। अरे नहीं छोड़ेंगे, लेकिन कौन है, कहाँ है? हमारी बाहों में है। हे संतो, देख तुझे मिलने के खातिर मुझे क्या क्या करना पड़ता है। तू हमसे झूठ बोल रही थी। इश्क में बोलना पड़ता है। अरे राम राम राम, हमसे कितना बड़ा पाप हो गया, हम पाठ पढ़ रहे थे, तू हमसे चिपकती रही। छी। अरे ओ धर्मू, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। जब तो हम अपना नाम संतो से बदलकर सुमति रख लेते। सहस बदन तुम रे जस गावे, अस कहे श्रीपति कंठ लगावे। तू लगा लेना कंठ, मैं कब रोक रही हूँ। संतो तू क्यों कंठ के पीछे पड़ गई? देख भगवान का पाठ करते समय ये सब पाप है, तू हमको और पापी मत बना। छोड़ हमारा पीछा। छोड़ हमारा पीछा साला बुद्धू, हम भी तुम्हारा पाठ बंद करके ही दम लेंगे। कालू, मेरा पाठ बंद है, सब बंद है, किताब पूजा ज्ञान ध्यान सब बंद है, सिर्फ दिल खुला है रानी। देख कालू, मैंने तुझे हजार बार बोला है, मेरे मुंह मत लगा कर। मुंह तो बाद में लगाऊंगा, पहले गड़े तो लगा लूं। धर्मू मुझे बचा ले। नहीं सुधरेगी। बचाओ, नहीं आएंगे। ये मेरी इज्जत लूट रहा है। लूटने दे। धर्मू तुझे माँ कसम, बचा ले मुझे। धर्मू धर्मू, ये मेरी इज्जत लूट रहा है। अरे संतो, क्यों काम का माँ कसम दे रही? छोड़ दे कमीने, छोड़ दे। धर्मू मुझे बचा ले। अरे तू तो सच बोल रही थी। अरे ये लो मर के नाती, इधर कुछ नहीं मिलेगा। ओए, तुझे देने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है। अरे
धर्मु, अगर तू नहीं आता तो? अरे हम तो नहीं आ रहे थे, हमको माँ कसम ले आई। हाँ अब हम ऐसी दिल लगी कभी नहीं करेंगे। अरे नहीं नहीं, हमको दिल लगी अच्छी लगती है, लेकिन उस समय नहीं जब हम मंदिर जाते हो या आते हो। तो तू मंदिर आना जाना बंद कर दे, हम तुम्हारे खातिर घर में ही मंदिर बना देंगे। मंदिर हमारे घर में? हाँ हम दोनों के घर में, शादी के बाद हम दोनों का एक ही घर होगा ना। अरे फिर वही शादी की बात। क्यों क्यों क्या, अभी तक हमारा पाठ खत्म नहीं हुआ और यहाँ शादी की बात। जब से तुझको देखा है प्यार हो गया, जब से तुझको देखा है प्यार हो गया, तू ले या ना ले दिल तैयार हो गया। तू है नारी मैं ब्रह्मचारी, कैसे कुंडली मिलेगी हमारी। तन को न जगा मन को न जगा, नारे बाबा ना नारे बाबा ना ना ना। हाँ हाँ नाना तेरा कहना सौ बार हो गया, अरे नाना तेरा कहना सौ बार हो गया, तू ले या ना ले दिल तैयार हो गया। बजरंग बली का हूँ चेला, प्यार का खेल मैंने न खेला। जीत होगी तेरी वार कर ले, खेल दो कल का है प्यार कर ले। आज मंगलवार कैसे होगा प्यार, आजा मेरे यार कर दे बड़ा पार। ना ना हाँ हाँ ना ना हाँ हाँ ना ना, तेरी सुन के मंगल नाना तेरी सुन के मंगलवार हो गया, तू ले या ना ले दिल तैयार हो गया। तूने भड़काया कह के अनाड़ी, अब न देखूं अगाड़ी पिछाड़ी। तीर मेरा न
रनिया नारे बाबा ना आजा जल्दी आ नारे बाबा ना आजा ना ना आजा ना 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 तेरी सुन के जी प्यार हो गया अरे ना तेरी सुन के जी प्यार हो गया तू ले या ना ले दिल तैयार हो गया भरतपुर और रामगढ़ इन सब पर हमारा कब्जा है अब हमें यह चंदनपुर चाहिए क्योंकि सरहद के उस पार जाने का रास्ता चंदनपुर का यह पुल है और हमारा माल उसी पुल के रास्ते से आएगा लेकिन ठेकेदार साहब चंदनपुर गांव से माल निकालना बहुत मुश्किल है क्यों इसलिए कि वहां बेवकूफी इंस्पेक्टर किशनलाल है वही हमारे लिए सबसे बड़ी मुसीबत है उसे खरीद लो हुजूर वो तो इतना कमीना आदमी है इतना कमीना कि रिश्वत तक नहीं लेता परवीन तुम जाओ और उसे इतनी रकम दो कि वो इनकार ना कर सके रेस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग बी ए गुड सिटीजन सिटीजन नहीं बापू सिटीजन सिटीजन ही तो बोल रहा हूँ ओफो बापू सिटीजन नहीं सिटीजन हाँ हाँ सिटीजन जन नहीं बापू सिटीजन बोलो मेरे साथ सिटी सिटी जन जन ओफो बापू आप इस अंग्रेजी के पीछे क्यों पड़ गए हो बात यह है बेटी कि मैं एक मामूली हवलदार से इंस्पेक्टर बन गया हूँ इंस्पेक्टर किशनलाल हाँ और इलाके के बड़े बड़े अफसरों से मिलना पड़ता है और एक न एक दिन मुझे डिप्टी साहब भी तो बनना है डिप्टी बन के क्या करोगे बापू खानी तो यही दाल रोटी है जो पहले से खाते आ रहे हो देखो बेटी जब तक नौकरी है तब तक मैं मटन चकन भी खा सकता हूँ लेकिन रिटायर होने के बाद तो ये दाल रोटी खानी पड़ेगी इसलिए मैंने दाल रोटी से परमानेंट नहीं बापू परमानेंट हाँ हाँ दाल रोटी से परमानेंट दोस्ती कर ली है कोई जरूरत नहीं दोस्ती करने की तुम रिटायर होने के बाद भी मटन खा सकते हो चिकन खा सकते हो कौन हो तुम लोग और इस तरह अंदर घर में कैसे घुस आए कोई काम है तो पुलिस स्टेशन में आकर मिलो ये 20,000 रुपए तुम पुलिस स्टेशन में कहाँ रखते हो तुम मुझे रिश्वत देना चाहते हो इंस्पेक्टर किशनलाल कोई गैर कानूनी काम नहीं करता निकल जाओ यहां से वरना बाबू जल्दी फैसला कर लो इंस्पेक्टर तुम्हें हमारी दोस्ती मंजूर है या अपनी बेटी की मौत दाल चाहिए या के नोट पंजाबी में एक कहावत है खाओ दाल यारी निवे नाल जी सच बोलूं हम नौकर तो हैं ठकुराइन के पर आपकी चौकरी में आना चाहते हैं और आपकी चिंता दूर करना चाहते हैं और चिंता आपकी यह है कि यह सारा गांव कैसे खाली हो जहां रास्ते में इंस्पेक्टर किशनलाल टांगड़ाए बैठा है कहता है मैं गैर कानूनी कोई काम नहीं होने दूंगा हम उसका कानूनी रास्ता ढूंढ के ले आए हैं वो क्या अजी ये रहे सेठ धनीलाल जी गांव के सब दुकान मकान जमीन जायदाद इनके पास गिरवी है आप इनसे गिरवी के कागजात खरीद लो गांव खाली हो गया वो तो हो जाएगा मगर हवेली कैसे खाली होगी अजी ऊपर वाले की कृपा से वो हवेली भी इसी गरीब धनीलाल के पास गिरवी रखी है पिछली बाढ़ में गांव वालों को पैसों की जरूरत थी तो ठकुराइन ने कर्जा अमीर से लिया था और एक बात है जी ठकुराइन है बड़ी आन वाली वो अपने पुरखों की हवेली को बचाने के वास्ते अपने कपड़े और जेवर तक बेच देगी जेवर वही तो चाहिए धनीलाल जी हमने अपनी हवेली आपके पास गिरवी रखी थी इनके पास नहीं ये कौन होते हैं मैं अदालत के कागज दिखाने वाले क्षमा करना ठकुराइन जी मुझे रुपयों की सख्त जरूरत थी
अगर मैं ठेकेदार जी से रुपया ना लेता तो मेरा दिवाला निकल जाता। क्या करूं ठकुराइन जी, आपकी हवेली के कागजात बस मुझे इन्हें देने ही पड़ गए। क्या करूं, मजबूरी थी। और अब मेरी मजबूरी है ठकुराइन, मुझे मेरे रुपए एक हफ्ते के अंदर ना मिले तो मैं ये हवेली नीलाम करवा दूंगा। चलो धनीलाल जी। चलिए। अजी अजी, मैंने कहीं सुनिए तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हवेली नीलाम होगी और इसकी बोली पड़ेगी। अजी पर ये कैसे हो सके? पर हो भी सके। सच बोलूं, जब टेम खराब होवे तो बड़े बड़े महाराजाओं के महल नीलाम हो जावे। नहीं नहीं मुनीम जी नहीं, ये हमारे पूर्वजों की हवेली है, हमारे खानदान की इज्जत है। हमारे जीते जी ये हवेली नीलाम कतई नहीं होगी। धर्म, इसमें जेवर है बेटी, शहर जाकर इन्हें बेचा। दीदू भी तेरे साथ जाएगा। ये अंगूठी भी ले जा, लेकिन इसे अलग रखना, ये ठाकुर साहब की आखिरी निशानी है। अगर जेवर बेचकर रकम पूरी ना पड़े तो इसे भी बेच देना। लेकिन माँ जी। जा। अरे थक गए रे भैया। अरे राम, बहुत धूप है। धरू बेटा, बहुत प्यास लगी है, हम वो नदी से पानी पी के। अरे नहीं नहीं, पानी पीने के चक्कर में कहीं बस निकल गई तो सब गड़बड़ हो जाएगा। इस समय तो हमको कुछ नहीं सूझता है क्या? पहले शहर जाकर ये जेवर बेचकर माँ को पैसे लौटा दे, उसके बाद हम दाना पानी करेंगे। हाँ। अरे लेकिन हम तो प्यासे मर जाएंगे भैया, क्या होगा? अरे बाबा। ये बेहोशी की दवाई है, पीते ही बेहोश हो जाएंगे। अरे भैया, पीने का पानी है का? तनी पिला दो। पानी नहीं हो, नींबू शरबत हो, 25 पैसे का एक गिलास। पीबा? दो गिलास दो, आओ बैठ। अरे काहे फालतू खर्चा करते हो? अरे ना पीना है भाई, जाओ जाओ। अरे फालतू खर्चे की बात तुम ना करो, तुम हमारे होने वाले हो जमाई राज, दो चार गिलास पियो, जाओ। हाँ। अरे ये बात है तो दो चार गिलास का पूरा मटका पी जाइए। हाँ। हाँ, पी जाओ। ला रे भैया, हमको दो एक गिलास। हाँ भैया, कितने पैसे हुए? सोच समझ के दे दियो। ए लो। उठो उठो। कौन है? रुक जा। शाबाश कालू, ये काम करके तुमने हमारा दिल जीत लिया। इस काम में कोई रुकावट तो नहीं हुई? रुकावट तो हुई थी, लेकिन वो भी दूर कर दी। अपने होने वाले ससुर का खून करना पड़ा। चलो तेरे लिए तो अच्छा ही हुआ,
अब जब चाहे तू संतो से ब्याह रचा ले। क्या कह रहा है? किसने चोरी की है जेवर? कैसे चोरी हो गए? मुझे नहीं मालूम मां, मुझे नहीं मालूम। अजी मुझे सब मालूम है, मैं बताता हूँ। जेवर तो ये अर्दीनू मिलकर कर गए गायब और अब चोरी चोरी का नाटक कर रहे हैं। मैं तो पहले कहूँ था इनके मिने नौकरों पे ज्यादा भरोसा नहीं किया करते। माजी मैं सच कह रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम। अजी तू क्या सच बोलेगा? सच तो मैं बोल लू, तू तो तब सच बोलेगा जब तेरे हाथ पांव टूटेंगे, तुझे मार पड़ेगी। क्यों जी? अब इंस्पेक्टर किशनलाल को बताओ, तुम लोग सब इसको क्यों मार रहे हो? ये चोर है। अजी सच बात तो ये है, बहुत अच्छे वक्त है कोतवाल साहब। यूं हुआ था कि इसे जेवर दिए थे ठकुराइन जी ने शहर में बेचने के लिए, रास्ते में नियत खराब हो गई, कर गया गबन, अब नाटक कर रहा चोरी चोरी का। इंस्पेक्टर साहब जेवर मेरे पास नहीं है। ठकुराइन आपने धर्म को जेवर दिए थे और वो चोरी हो गए? लेकिन मैंने जेवर नहीं चुराया। तुम चुप रहो, आपको धर्मों पर शक है? अजी शक क्या, यकीन की बात है, जेवर तो इसी के हाथ में दिए थे। तुम चुप रहो। मैं चुप हूं जी। ठकुराइन मैं धर्मों को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन ले जाता हूँ, अगर जेवर इसने चुराए हैं तो इसको इतनी कड़ी सजा दिलवाऊंगा कि सारी जवानी जेल में इसकी कट जाएगी। चलो। ठहरिए इंस्पेक्टर साहब, मां समझकर इतने साल इसने हमारी सेवा की, हम समझेंगे उसी सेवा की हमने कीमत अदा कर दी। छोड़ दीजिए इसे। लेकिन कानून और ये जो चोरी इसने नहीं की। हम भी ऐसा ही समझे थे। माँ हमको चोर ना समझ। माँ मत कह मुझे माँ, तेरे कारण हमारी हवेली चली जाएगी ना, जाने दे। आज से हमने अपनी हवेली खोई, तूने अपनी माँ। लो ठेकेदार, संभालो हवेली। हम ये हवेली अपनी मर्जी से तुम्हें सौंप के जा रहे हैं, इस उम्मीद पर कि अगर वक्त ने साथ दिया और हमारे पास तुम्हें लौटाने के लिए 50,000 रुपए हुए तो हम ये अपनी हवेली वापस लेने चले आएंगे। आप तने फिक्र ना करें ठकुराइन, आपका सेवक जो है यहाँ सब हिसाब बराबर लिखा है ना? एकदम बराबर लिखा है। आप जिस दिन 50,000 रुपया ले आएंगे, ठेकेदार से हवेली का कब्जा ले लेना। सच करो जी। तो कानूनी मामला था, इसलिए इंस्पेक्टर किशनलाल कुछ न कर सका और आपको यह हवेली खाली करनी पड़ी। आप हमारे साथ चलिए, अब हमारा मकान बिल्कुल खाली है, ये बस एक बेटी है और हमें एक बहन मिल जाएगी। सिस्टर। सिस्टर नहीं बापू, सिस्टर। अब तू चुप कर, जब देखो पकपक करती रहती है। चलिए ना ठकुराइन जी, चलिए ना, चलिए ना।
गांव खाली कराने का काम शुरू कर दो और सबसे पहले तुम अपने संतों का घर खाली कराओ। जाके कह दे अपने ठेकेदार से जो संतों का घर खाली कराएगा ना संतों उसे जिंदा नहीं रहने देगी। क्या रखा है इस घर में संतो रानी? चल मैं तुझे अपने घर ले चलता हूँ। तुम्हारे घर जाए संतों की जूती, चला जा हरामखोर वरना इसी डंडे पर बिठा के आसमान की सैर करा दूंगी। सैर तो हम तुझे कराएंगे छमक छल्लो। छोड़ दे मुझे, छोड़ दे। यारे कालू क्यों खंबे से सर मारते हो? तो बेचने माता धर्मो, ये घर ठेकेदार के पास गिरवी है, मयाद पूरी हो चुकी है और मैं ये घर खाली करवाने आया हूं। क्यों रे, हमारी माँ की हवेली खाली करा के तेरे ठेकेदार का मन नहीं भरा क्या? अब सारा गांव खाली कराना चाहते हो क्या? वो सब हमें नहीं मालूम, निकला सामान बाहर। अरे जो सामान को हाथ लगाएगा उसके क्रियाकर्म का सामान हो जाएगा। हाँ मारा साले को। गवाहों के बयानात और पेश किए गए सबूतों की बिना पर यह अदालत मुलजिम धर्मू, राम सिंह, कालू, बिश्ना और सुखदेव को मुजरिम करार देती है और सबको 500-500 रुपया जुर्माना करती है। जुर्माने की रकम ना अदा करने की सूरत में सबको 1-1 महीने की कैद का हुक्म देती है। अपने आदमियों का जुर्माना भर के उन्हें छुड़ा लीजिए। बहुत अच्छा मालिक। खोल के रख बे। अरे 61-62 ये जरा लॉन्ड्री में दे देना। हाँ उसको बोलना बराबर कलब विलब लगा के रखे, मैं फिर आने वाला हूँ। सचमुच तुम्हें नसीहत देने से कोई फायदा नहीं। तुम जितनी बार यहां यह कहकर गए हो कि मैं दोबारा इस जेल में नहीं आऊंगा उसे दुगनी बार आ चुके हो। अब सरकार इस बार तुम्हें आखिरी मौका देती है। अंदर आने का नहीं, हमेशा के लिए यहां से दूर चले जाने का। हो सकता है इस शहर के माहौल से दूर रहकर, अपने साथियों से दूर रहकर तुम कुछ सीख सको, एक नेक इंसान बन सको, इसलिए सरकार तुम्हें। हाँ, समझ गया। मतलब ये कि सरकार ने मुझे तड़ी पार कर दिया, साफ लफ्जों में यही बात है ना? ठीक है साहब, चलता हूं। जब अपना घर ही घर नहीं तो दुनिया की कौन सी जगह अपनी है? तेरी दुनिया से चले हो के मजबूर, हमें याद रखना। तेरी दुनिया से दूर चलो। कहाँ चलें? तड़ी पार। अरे वो कौन सी जगह है? बस तू घोड़े को चाबुक मार, जहाँ तेरा घोड़ा दम तोड़ेगा हम सीट छोड़ेगा। अरे हमको एक बार इंस्पेक्टर बन जाने दो, फिर देखो तुम दोनों को ऐश कराता हूँ। सब ऐसे कहते हैं और कुर्सी पर बैठते ही तेवर बदल जाते हैं। अरे नहीं भाई, हम है हवलदार बीए तलवार नंबर 204। हम अपने नीचे वालों का ख्याल रखते हैं। भाई हवलदार साहब, चलिए। कब से लगी है? 4 साल। 4 साल खा के सरकार का माल, मोटे हो गए हैं तेरे गाल।
कहाँ है इंस्पेक्टर किशनलाल? जी जी साहब अंदर है। तू अंदर कब जा रहा है? जी मैं क्यों अंदर जाऊँ? अबे अंदर इंस्पेक्टर की कुर्सी पर। क्या वो हमारी दो फीते हैं? 204 ये क्या शोर मचा रखा जी साहब? हेलो इंस्पेक्टर। कहिए। कहने के लिए आया हूँ, बहुत कुछ कहने के लिए। सर लगता है डिप्टी साहब है, शहर से आए हैं। अरे तो खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? चाय लाओ। नहीं नहीं चाय की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है साहब, स्पेशल चाय लाओ। स्पेशल है तो फिर ले आना। और सुनो इधर आओ जी। खाली पेट पे चाय पीने से गैस बढ़ जाती है, तो एक काम करना, खाने चबाने के लिए कुछ बिस्कुट भी ले आना। जी जी। अरे सुनो, बिस्कुट नहीं, केक लेकर आना। केक लेकर आओ। हाँ जाओ जाओ। और लड्डू, लड्डू लाना। आइए साहब तशरीफ लाइए। स्पेशल चाय, केक और लड्डू लाओ। खाने में दावत है साहब? अरे दावत नहीं, डिप्टी साहब आए। डिप्टी साहब अब किशनलाल की हो जाएगी छुट्टी और मैं इंस्पेक्टर बनूंगा, इंस्पेक्टर बी ए तलवार। आप पहले कहाँ थे? जेल में। अच्छा तो आप जेलर साहब हैं। बैठिए तशरीफ रखिए। नहीं नहीं वहाँ नहीं, वो आपकी कुर्सी है, आप बैठिए। तो इधर बैठिए। मैं यहाँ बैठूंगा। चलिए। अरे 204 चाय जल्दी लाओ। ला ला मुझे दे लीजिए। आप कौन आप बैठिए ना, खड़े क्यों हैं? आप कौन सी जेल में थे? जेलों का क्या है साहब, एक जैसी लगती है, कोई फर्क नहीं। दरअसल आना जाना बहुत रहता है ना, अंदर बाहर बाहर अंदर अंदर बाहर। मीठा तो ठीक है ना? हाँ 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 बढ़िया बढ़िया बढ़िया। केक लीजिए डिप्टी साहब। डिप्टी साहब? जी हाँ। नहीं नहीं डिप्टी साहब नहीं हूं मैं। आप डिप्टी साहब नहीं? ना ना ना। तो आप फिर और भी। चक्रधारी। चक्रधारी तड़ी पार। तड़ी पार चाय रख दो। ग्लास भी? ग्लास भी। केक भी रख दो। वो बिस्किट। खड़े हो जाओ। वो क्या है, जब हमारी सजा खत्म हो गई शहर में, तो उन्होंने कहा था शहर में रहने का हुक्म नहीं है, इसलिए हम यहाँ चले आए। 204 जी सर। इसका नाम पता लिखो। जी मैं चाय पी लूं, ठंडी हो जाएगी। नहीं। नाम बोलो। चक्रधारी। ठिकाना चंदनपुर पुलिस स्टेशन, मार्फत इंस्पेक्टर किशनलाल जी। लेकिन मार्फत इंस्पेक्टर किशनलाल कैसे? देखिए इस गांव में मैं आपके अलावा किसी को नहीं जानता, और फिर आप आदमी भी बढ़िया हैं। ठीक है ठीक है। हाँ जी। लेकिन अगर इस कस्बे में रहना है तो पुराने चक्कर छोड़ने पड़ेंगे। सुबह शाम पुलिस स्टेशन में हाजिरी भरनी होगी और एक गुड सिटीजन बन के रहना होगा। कौन सी अन बन के रहना होगा? शरीफ सहरी। हाँ गुड सिटीजन। तो फिर इस गुड सिटीजन को पेट भर खाना खाने का हक है नहीं? बिल्कुल। पेट भर खाने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है, और पैसे के लिए नौकरी चाहिए, कहाँ मिलेगी? नौकरी चाहिए तो जंगल के ठेकेदार के पास जाओ। ये 20 रुपए तू ले ले अपने खून पसीना की मजदूरी, 10 मैं रख लेता हूँ। चल चल बे चंदू, आ जा आ जा। ये तेरे हुए 20 रुपए, 15 तू ले जा, ये 5 मैं रख लेता हूँ। खरा हिसाब? अरे तू तो काम ही ना करे रघु, तुझे क्या दूं? दो वक्त की रोटी दे दो, सेहत बन जाएगी बेचारे की। आप कौन साहब हैं? हिसाब किताब बराबर है? बराबर है जी, बराबर है। चौमनी जी बराबर है ना? एकदम बराबर है। चाहो तो फिर तू कौन होता है? अरे तू चुप बैठ, देखता नहीं है क्या बढ़िया लिबास पहन रखा है? शहर से है, शहर से। बैठिए बैठिए साहब, यहाँ बैठिए, आप यहाँ बैठिए, तशरीफ रखिए। लगता है आप सरकार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अफसर हैं। इसीलिए तो हमने उसको भागते हुए नहीं देखा फाइल। वो तो पेशाब करने गया है जी, पेशाब। हमारी डिपार्टमेंट को देखकर बड़े बड़ों का निकल जाता है, हमारा भी निकल गया था लगभग। हजूर आपने अगर पहले इतला कर दी होती तो मैं ठेकेदार से कह के आपकी सेवा में जीप भिजवा देता। अरे नहीं उसकी कोई जरूरत नहीं थी, किस्नू ने भी हमसे कहा था जीप भेजने के लिए, लेकिन हमने ना कर दी। किस्नू कौन? किस्नू अपना इंस्पेक्टर किशनलाल। मारे गांव के कोतवाल। बड़े अच्छे आदमी है वो, हमारे रिश्तेदार हैं वो। हमारे मामा के भाई के भांजे के भतीजे के छोटे मामा के बड़े ताए के बहन के साले हैं वो। रिश्ता जरा दूर का है लेकिन इज्जत नजदीक करते हैं वो। बहुत बढ़िया आदमी है जी, बहुत बढ़िया आदमी है। मैं दबा दूंगा, मैं दबा दूंगा। तू बैठा रहे बैठा रहे, मैं दबा दूंगा। लेकिन अगर ठेकेदार साहब को मालूम पड़ गया कि आप मजदूरों की मजदूरी से आधा हिस्सा ले लेते हैं तो क्या कहेंगे वो?
उन्हें कैसे मालूम पड़ सकता है, थोड़ी बताएंगे आपको। मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ, लेकिन मेरी जबान जो है ना कभी कभी फिसल जाती है। ये रुकती कैसे? ये रुकती है सिर्फ पैसों को। आज के लिए इतना ही काफी है। अब आप एक काम कीजिए, हमारे लिए किसी टेंट में एक चारपाई सी बिछा दीजिए अच्छी सी, और जब खाना लग जाए तो हमको जगा दीजिए। मैं सब इंतजाम करता हूँ जी। जल्दी जल्दी खबर ना देना। नहीं नहीं काटेगा। तो तू आप इसी गांव के रहने वाले हैं? मैं मैनेजर साहब का लड़का हूँ। लगता तो नहीं। क्या शायद हो? हाँ आप मतलब आप मैनेजर साहब के बेटे? हाँ शक्ल काफी मिलती है आपकी, धन्यवाद आपकी माता जी के। खैर अब आप मैनेजर साहब के बेटे हैं तो जाहिर है आपको मालूम होगा कि यहाँ हराम की कमाई कहाँ खर्च हो सकती है। तुम्हारे लिए खबर है, बाद में। यह है तोड़ू, यह है फोड़ू। बैठो बैठो। तोड़ू 2 साल से जेल से फरार है और इसके सर पे 2000 रुपए इनाम है। जय जय। और इनके टकले पे आ जा, इनके सर पे कितना इनाम है? 3000 रुपया। 3000, 2000, 5000। बहुत हो गया। क्या बहुत हो गया? टाइम बहुत हो गया। पत्ते बांटिए। बांटो। एक बंद। बंद। एक और। पैक। पैक। पांच हजार की है। ज्यादा की है, 5 में रख रहा हूं। इसका मतलब है कैश कैश बंद। अभी हम लोग सामान सामान से खेलेंगे। हा? तो ये आपका सामान 5000 रुपए का, ठीक है? और हमारा सामान भी अभी आएगा 5000 रुपए का। नाराज मत होइए। सरकार कैश पार्टी है। जैसे आप दोनों को बंद करवाएंगे ना 5000 रुपए मिल जाएंगे आपको। अब आप दिखाते हैं या मैं दिखाऊं? तो क्या दिखाएगा, मैं तुझे दिखाता हूं। हाँ, एक मिनट उस्ताद जी, मैं जरा माल बटोर दूं। भाई साहब देखिए, इसको मैंने मारा 2000 भाव, इसको मारा 3000 भाव। तेरा कोई भाव नहीं, तेरे को मारूंगा तेरा भाव बढ़ जाएगा। अब मैं तेरे साथ नहीं खेलता हूं। कट्टी। मैंने तेरे को बोला था ना नहीं खेलने का है, नहीं खेलने का। बैठो सिटिंग। तुम्हारी ड्यूटी चाय पीने की है? नहीं सर, सुबह से कोई काम नहीं था और जरा से तलब लगी। काम नहीं था और हमने जो कहा था कि चक्रधारी पर नजर रखना, आई साइट ऑन हिम, उसका क्या हुआ? नहीं सर, सुबह से वो कहीं दिखाई नहीं दिया। बकवास बंद, शट दी नॉनसेंस। अगर वो दिखाई नहीं दिया तो तुमको तो जाकर उसको देखना चाहिए जी। तो जाओ जाकर देखो। हाँ और रुको, इंस्पेक्टर किशनलाल का कोई आदमी रिश्वत पिए ये अच्छा नहीं लगता। नहीं। पैसे दे देना इसकी। अब चाय के, समझे? अंडरस्टैंडिंग? यस सर। क्या? यस। श्याना, रुबाब झाड़ता अफसरी का। भगवान मुझे इसके ऊपर का अफसर एक दिन बना दे, फिर बराबर नाच नचाऊंगा टिकनी का।
आइए भाई साहब, क्या चाहिए? हाँ, क्या हाल है? बहुत अच्छा। उफ, बहुत गर्मी है भाई। वाकई बहुत गर्मी। सोचता हूँ अंगूठी उतार दूँ। कोहिनूर बहुत अच्छी फिल्म थी। दिलीप कुमार, मीना कुमारी ने क्या काम किया। अबे मैं फिल्म की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कोहिनूर हीरे की बात कर रहा हूँ। कोहिनूर किंग ऑफ डायमंड्स। यस, किंग ऑफ डायमंड्स, कीमती हीरा है, इसलिए मुझे डर लगता है। ये वाली? हाँ हाँ, कोई चुरा ले, कोई ले जाए, गांव खेड़ी का मामला है, डाकू डकैत खूनी ये लोग होते हैं ना यहाँ पर। ऐसा करो ना, इसे तुम मेरे पास रख दो। अरे नहीं भाई नहीं। अरे मैं पैसे दूंगा। पैसे की जरूरत किसे है? ले लो, कुछ वक्त मेरे पास रख दो, मैं सेफ में बिल्कुल सेफ रख दूंगा। क्या दोगे? 1000 रुपए। दे। अभी देता हूँ, अभी देता हूँ। लाला जी। जी। आप पैसे वैसे तैयार रखिए, मैं जरा इसे चकमा देके आता हूँ। आप माल तैयार रखिए। जी। पीछे पीछे। एक काजू भाई, काजू। भाई साहब आपकी ये भाई साहब, ये गया। शुक्रिया। कुछ नमकीन भी लाऊं? हाँ ले आ, थोड़ा काजू वाजू लेके आना, लेकिन काजू लाएगा ना तो थोड़ा कड़क कर। तू कहां से आया? मैं हाँ मालूम है, सब वहीं से आते हैं मालूम है, मगर मेरे साथ कोई काम है तुझे? तो फिर सुबह से मेरा पीछा क्यों कर रहा है? ड्यूटी। ड्यूटी? बैठ जा। क्यों? ड्यूटी। दारू पिएगा? हाँ पी। नहीं, ड्यूटी। तेरी ड्यूटी की कब तक है? तेरी ड्यूटी कितने बजे तक? 4 बजे तक, 2 घंटे और हैं। हाँ, अब कैसा है? ये कैसे हुआ? ये देख, ऐसा हुआ कि छोटा वाला 4 पे, बड़ा वाला 12 पे। लेकिन यहाँ तो छोटी वाली 2 पे है। अरे छोटा छोड़, बड़ा पकड़। हाँ? चल आजा। चलो अच्छा हुआ छुट्टी हो गई। बैठ बैठ। क्या हुआ? नहीं, मैं वर्दी में हूँ ना। अरे तो क्या हुआ यार, उतार पतलू ना। तुम क्या कर रहे हो? क्यों नीचे क्या? नहीं नहीं है ना, है तो फिर उतार। उतार है, अंदर है सब कुछ। वर्दी उतर गई, वर्दी आउट, ड्यूटी खत्म। आजा बैठ, चल दारू पी। पीले। ये हुई ना बात। हाँ हो जाए। अरे पीने का बहुत आसान है, खाली इतना करना पड़ता है। क्यों? अरे इंस्पेक्टर साहब को मालूम पड़ गया तो क्या करेगा? क्या करेगा वो? अरे बहुत कड़क आदमी, बहुत तंग करता है। इधर बैठ जाओ, उधर खड़ा हो जाओ, इसके पीछे लग जाओ, बोलता है अबाउट टिंग, उसके आगे लग जाओ। देख तू दिल छोटा मत कर, तू भी तो एक दिन इंस्पेक्टर बनेगा ना। कैसे बनूंगा? क्यों? जब तक वो किशनलाल कुर्सी पे है मैं इंस्पेक्टर नहीं बन सकता। अरे वो हट जाएगा कुर्सी से, खसक जाएगा। कैसे? तू एक काम कर, ये पकड़। तू सोच, खाली सोच, तेरे सामने किशनलाल खड़ा है। इंस्पेक्टर किशनलाल स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू। नहीं दिखा? दिखा है, नहीं है। देख सोच। हाँ सोच। अब देख वो किशनलाल खड़ा है। बाबा। अबे लाजवंती क्या कर दिया है? अब वो तुझे सलूट करेगा। ये मुझे
हाँ तुझे। ए किशनलाल सलूट कर। ठीक है ठीक है। हाँ बैठ, अब इसको बैठने को बोल। सर बैठिए। अबे ऐसे नहीं, इसे बोल अबे बैठ। अबे बैठिए। अबे तेरी। अबे बैठ। अबे बैठ। अबे अबे कब तक डरता रहेगा, चल पी पी पी। देख अब किशनलाल हमारा चमचा है, हमारा प्यादा है, तू जो कहेगा वही करेगा। तू बोलेगा नाच नाचेगा, तू बोलेगा गा तो गाएगा। गाएगा गाएगा गाएगा। हाँ गाएगा। गो है तो आजा प्यारे संग मेरे, कभी कभी यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ जीने का भी ले ले मजा। बोलो 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 बोलो। एक दो तीन आरे 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 दुनिया हसीन, आरे 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 बड़ी रंगीन, और ये जिंदगी है चार दिन। जीना है तो आजा प्यारे संग मेरे, कभी कभी यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ जीने का भी ले ले मजा। एक दो तीन आरे 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 दुनिया हसीन, आरे 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 बड़ी रंगीन। साए में बाहों के घेरे में पीके कहीं डगमगाता, मैं के नजारों बहारों सितारों के रंगीन सपने सजाता। और ये जिंदगी तो है नशा यार, मेरे हाथ बड़ा हाथ बड़ा, जाम उठा पीले जरा छाए नशा आए मजा। एक दो तीन आरे 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 दुनिया हसीन, आरे 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 बड़ी रंगी। Okay.
चक्कर लगाता रंगीन गलियों की इन रंग रलियों में गुम होके बड़ा मजा आता मोहब्बत 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 है क्या दिल से दिल का मिलाना ये मैंने तो आज ही जाना शरारत नजाकत हसीनों की चाहत है क्या इश्क में डूब जाना कभी होश में फिर न आना और ये जिंदगी जीना है तो आजा प्यारे संग मेरे कभी कभी यहाँ वहाँ जहाँ कहाँ जीने का भी ले एक दो तीन आरे 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 दुनिया हसीन आरे 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 बड़ी रंगीन ये जिंदगी है चार दिन जीना है तो आजा प्यारे संग मेरे कभी कभी यहाँ वहाँ जहाँ कहाँ जीने का भी ले ले आओ गुलफाम आओ पूरे 1800 अरे 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 रुतरंगी अरे 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 कोहिनूर चश्मे बदूर कोहिनूर बाबू बाबू मुझे ना वो अंगूठी चाहिए मुझे अंगूठी चाहिए ये बकाऊ नहीं है तुम कोई दूसरी ले लो नहीं मुझे यही चाहिए बाप लाला दे देना अरे ये चोरी की है चलेगा चलेगा अगर तुम इसे पहनोगी तो पुलिस तुम्हें पकड़ कर ले जाएगी चलेगा वहाँ जेल में तुम्हें चक्की पीसनी पड़ेगी चलेगा अरे तुम्हारी सेहत खराब हो जाएगी तुम सूखकर कांटा हो जाओगी चलेगा अरे लाला क्यों अपनी जान के पीछे पड़ा है मेरी लड़की बड़ी जिद्दी है ये अंगूठी लेके ही जाएगी अगर तुमने मुझे अंगूठी नहीं दी ना तो मैं तुम्हारी दुकान में डाका डलवा दूंगी तुम्हारा बचाओ अरे लाला क्यों अपनी मौत को दावा दे रहा है अंगूठी इसे दे दे दूंगा लेकिन इसकी कीमत लूंगा 5000 ले ले अरे ले ली चलो 5000 5000 जल्दी जल्दी ये ले किशनलाल खड़े हो जाओ सलाम मारो क्या अबे खड़े हो जाओ बोला ना और सलाम मारो सलाम क्यों नशा उतरा सर ये सर सर वो चक्रधारी ने चक्कर दिया था अब आपने जो चक्कर दिया सब उतर गया सर मुझे माफ कर दीजिए मुझे माफ कर दीजिए हाथ नहीं लगाओ ये सर आपके हाथ किशनलाल को मत लगाओ टच मी नॉट ये चक्करधारी सारे गांव को चक्कर दे रहा है आइंदा इसके चक्कर में आए तो सस्पेंड कर दूंगा समझे कभी नहीं सर और ये नंगे खड़े क्या कर रहे हो वर्दी पहन कर आओ अजी संतू मुझे देखकर भी चली जा रही है जैसे कि देखा ही नहीं राम राम करना भी भूल गई राम राम क्या मालकिन मैं तो किसी के सामने नजरें उठाना भी भूल गई हूँ चोर की बेटी हूँ ना चोरी करने से रिश्ते तो नहीं टूट जाते क्या भगवान कृष्ण अपनी माँ के घर से माखन नहीं चुराया करते थे बेटा बेटी कैसे भी हो माँ के लिए तो उसकी औलाद ही है क्यों ठाकुरान जी तो क्या मैं समझूं कि ठाकुरान ने मेरे बापू को और धर्मू को माफ कर दिया मेरा बेटा जहां भी हो भगवान उसकी रक्षा करना नमस्कार जग्गू दादा राम राम जग्गू दादा नमस्ते जग्गू दादा सलाम जग्गू दादा ए बुड्ढे तेरे हाथ टूटे हुए हैं क्या सलाम नहीं कर सकता हमारा नाम शामू सिंह है चंबल के डाकू हमें उस्ताद मानते हैं। उस्तादों का वक्त खत्म हो गया क्या रे जग्गू दादा ये तो बाप समान है हमारे धंधे में बाप वही है जिसके बाजुओं में ताकत है ताकत का बहुत घमंड है भैया खाली घमंड ही नहीं
नमूना देखोगे? चल आजा अंदर। दरवाजा तू बंद करेगा या मैं? तू बंद कर दे, मैं खोल लूंगा। माखन सिंह से जरूर मिलाऊंगा। माखन सिंह, हमारा काम शुरू हो रहा है। कल शाम एक ट्रक माल आ रहा है। बहुत अच्छी बात है, तुम हमें यह बताओ वो माल कहां और कैसे मिलेगा। ये हैं बोलीराम जी, कबीले के सरदार। बोलीराम जी, कल शाम आप अपना एक आदमी माधोपुर के जंगल भेज दीजिएगा। वहां एक ट्रक आएगा, ट्रक वाला पूछेगा काली पहाड़ी किधर है। आपका आदमी जवाब देगा तेरा घर जिधर है। आज नहीं। अरे सुनो तो। नहीं नहीं तक गया। अरे सुनो भी। अरे काली पहाड़ी किधर है? मुझे नहीं मालूम। अबे ओ नहीं बोलने का। अबे ओ चक्रधारी साहब, समझे? काली पहाड़ी किधर है? मैं बोला ना नहीं मालूम है, मुझे कुछ सोने दे रहे अभी। गुड नाइट। चक्रधारी, कुछ चक्कर लगता है, चल के देखते हैं। नहीं होगा, चलो इंतजार कर लेते। भाई साहब, जयराम जी की। क्यों, कुछ याद आया? नहीं भाई साहब, ऐसा है कि मैं कच्ची नींद में था ना, और कच्ची नींद से जागता हूँ तो मुझे कुछ याद नहीं आता। जरा मुझे जगाओ ना प्लीज। इसके मुंह पे पानी मार। अरे हट हट, पानी से कोई जागता है क्या? पानी तो खाली धोने के लिए होता है, धोने के लिए। जरा कुछ तगड़ा इलाज करो ना मेरा। मारो। अबे इतना बड़ा हो गया है, अभी तक घूंसा मारना नहीं आया तुझे? हट। भाई साहब, आप छोटे हैं ना, आप मारिए। हाँ, आप सीख जाएंगे। हटिए, तुम आओ। तुम नहीं सीखोगे, हटो। भाई साहब, काली पहाड़ी हो जाए। अबे जब फौज का सरदार ही डू होता है तो फौज लड़ नहीं सकती, समझे? मारेगा, बड़े पे हाथ उठाएगा। तेरे को क्या बोला था, तेरा कुछ नहीं हो सकता? पोड़ा। अरे अन्ना परांजी पोई। हाँ? फट गई, देखना ये देख, फट गई। ए की दादा है, छोड़ दा। इकिर बिकिर चाम चिकिर की दादा,
फिट के जे पेंटा है कैमोन कैमोन दादा। ओ खोती दिया तेनू शर्म नहीं आउंदी एना वड्डा हो के न्याणे दे उत्ते लत्ता चुकदा? हां खामोश। लत इसको कहते हैं। ओए ईश ईश काय रे किती छान दिसते रे तुझी जॅकेट हे बघ तुझा पुंत्रू बघ बगरे मेलिया मेलिया। इका अरे हातन से काम नहीं चला तो बिलेटवा निकाल ले हो। अरे बिलेटवा निकालियो भैया तो पतलूनवा गिर जाई। जरा रुको तनिक सोचो मारन से कुछ फायदा है का भैया? अरे इंसान को मारने से कुछ फायदा हुआ है? अरे रुको अरे 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 इका अरे पहले तो अरे मारा तो का अरे अब हम पकड़ ले तो का होई है? अरे तो का छुड़ाओगे तुम भैया का छुड़ाओगे है? देखो झटका ई का कहते ये देखो और ई लो जौनपुर का झटका। तो आप जंगल में सो रहे थे जी और वहीं पर आकर ये ट्रक रुका जी? क्यों इस ट्रक को रुकने के लिए कोई और जगह नहीं मिली? ये आप ट्रक से पूछिए ना मुझसे क्या पूछ रहे हैं। और फिर इस ट्रक में से कुछ आदमी उतरे जी जी उनके साथ आपकी मारपीट हुई जी? लेकिन आपकी पीठ पर तो कहीं मार के निशान नजर नहीं आ रहे। हम मार खाते नहीं मारते हैं लोगों को। देखो ये इंस्पेक्टर किशनलाल है ना ये सच बुलवाना बहुत अच्छी तरह जानता है। जी 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 204 जी सरकार इसको ले जाकर हवालात में बंद कर दो। जी सर। अरे साहब गलत काम कर रहे हैं आप। बंद कर दो। मैंने तो देश की सेवा की है साहब। मैंने सोचा 10% कमीशन मिलेगा पद्मश्री पद्म भूषण फंसा दिया चक्रधारी को। कौन चक्रधारी? शहर से आया है दड़ी पार है जहाँ खाना मिले खा लेता है जहाँ जगह मिलती है सो जाता है। तब तो वो मुद्दई की औलाद सीधा पुलिस थाने पहुँचा होगा। हमका चक्रधारी और ट्रक दोनों चाहिए। सिपाही कम है मुझे बाहर निकालिए मैं आपकी मदद करूंगा। चुप रहो कानून को मुजरिमों की मदद नहीं चाहिए। कानून चाहे ना चाहे भगवान चाहता है मैं तुम्हारी मदद करूं। माखन के होते हुए हथियार पुलिस के कब्जे में चले गए। उसने चूड़ियां पहन ली है क्या? माखन सिंह ने हमला किया था। हमला किया था माखन से जाके कह दो जिसकी वजह से यह नुकसान हुआ है उसे उसकी सजा मिलनी ही चाहिए। हमारे धंधे में बेटे को भी माफ नहीं किया जाता। जाओ! पाँव लगे ताओ आप आने की खबर काहे नहीं दिए? इस धर्मू की खातर। अरे हम तो दो दिन पहले ही रिहा के आ गए थे इसके बाहर आने का इंतजार करते रहे। कौन है? अरे बड़ा जीदार और हिम्मत वाला छोकरा है इसका हमारे ऊपर कुछ एहसान है।
उसका बदला चुकाना है। इसे कुछ रुपए दे दो। कितना पैसा चाहिए रे? 50,000। लेकिन हमको दान नहीं चाहिए, हम कुछ भी मेहनत मजदूरी कर सकते हैं। अच्छा, कहाँ का रहने वाले? चंदनपुर। चंदनपुर ताऊ, चंदनपुर से एक आदमी को उठवाना है, वहाँ पुलिस बहुत चौकन्नी है। हाँ। तुम कहो तो इस छोकरे से काम करवा ले। अरे करवा लो, ये हर काम कर सकता है। तुम हमारा एक काम कर दो तो हम तुमको 50,000 रुपया देंगे। इकट्ठा मिल जाएगा? इकट्ठे मिल जाए तो हम करेंगे, बता दो। चक्रधारी नाम का एक आदमी तुम्हारे गांव में रहता है, तुम उसको हमारे पास ले आओ। आ जाएगा? सिर्फ इतना बता दो, जिंदा या मुर्दा? हाँ, जिंदा। तक हवेली की रकम हासिल नहीं कर लूंगा, तुमको मुंह नहीं दिखाऊंगा वहां। कुछ है? कहाँ? यहाँ, यहाँ कुछ है। ये है। ये वहाँ क्या कर रहा था? तू यहाँ नहीं था ना? मैं अपनी इज्जत बचाने के लिए इसे सदा अपने पास रखती थी। अच्छा बता, मेरी माँ कैसी है? ठीक है। जेल में भी माँ की हवेली के बारे में सोचता था, लेकिन अब उसका भी प्रबंध हो जाएगा। यहाँ कोई चक्रधारी नाम का आदमी आया? हाँ, बहुत दयालु आदमी है। हाँ, 50,000 रुपया दिलवाने वाला दाहली होगा। गांव के अंदर हवलदार, गांव से बाहर थानेदार। हार में जाए दोनों, मुझे क्या लेना देना? ऐसा देख लूंगा क्या? अरे अरे, कौन है भाई, क्या है ये? मेरे सवाल का ये जवाब तो फिर आपके जवाब का ये जवाब। शिकार करने आए थे, शिकार हो के चले। भाई साहब, क्यों, मैंने क्या किया? मैंने क्या किया? क्यों? भाई साहब, पहले मुझे बताइए मैंने क्या किया है, आप मुझे कहां ले जा रहे हैं? अब मुझे समझाओ, कहां ले जा रहे हो और क्यों ले जा रहे हो? चल। देख, हम तेरे को मार चुके हैं तो क्या फिर मारेंगे? मार मार के तुझे बेहोश करके अपने कंधे पे यूं पटक कर ले जाएंगे। हाँ। क्या हुआ? सुन, तू हमको मारेगा, चल ये भी माना, मार मार के बेहोश करेगा ये भी माना, बेहोश करके कंधे पे उठाएगा ये भी माना। कंधे पे उठा के कितनी दूर तक चलेगा कभी ये सोचा तूने? क्यों? ये शरीर देख। अरे ये तो हमने सोचा ही नहीं। बैठ के सोच। हाँ। हम इसको मारेंगे, उसके बाद गांव में जाकर बैलगाड़ी ले आएंगे, फिर साले को गाड़ी में यूं पटकेंगे। ए साला, तू हमको गवार समझता है क्या? हम बैलगाड़ी लेने जाएंगे, तू भाग जाएगा, चल। तू नहीं मानेगा ना? नहीं नहीं मानेगा। I'm sorry। क्या बोला? I'm sorry। मतलब? हमको माफ कर दीजिए भाई। आ,
से नहीं उठूंगा मैं। नहीं नहीं। देख बबुआ, तू बहुत ढीठ है, तू हमको ले जाना चाहता है। हम भी बहुत ढीठ है, हम जाना नहीं चाहते। क्यों? कहीं ये जाने ले जाने में हम दोनों ना चले जाएं। तू जाएगा। हाँ। एक मैं क्या हो रहा है? बाबुल का मैं तो भूल गई। बाबुल का ए, रुक जाओ, रुक जाओ। एक तड़ी पार और दूसरा जेल रिटर्न और ये दिंगा मस्ती और वो भी इंस्पेक्टर किशनलाल के इलाके में। हाँ हाँ, दिंगा मस्ती नहीं साहब, हम लोग तो रामलीला की रिहर्सल कर रहे थे। रामलीला? हाँ। और ये रस्सी, आई वॉज थॉटिंग थॉटिंग नहीं Thinking. Yes, yeah, thinking. लेकिन ये रस्सी तुम्हारे गले में कैसे आई? ये रस्सी हमारी नहीं है, इनकी है। इनसे पूछिए, ये हमें खेत के कहाँ ले जा रहे थे? कहाँ ले जा रहे थे? जरा जोर से पूछिए। कहाँ ले जा रहे थे? गैरेज के पूछिए। कहाँ ले जा रहे थे? बस बस थोड़ा कम कर दीजिए, मैं बताता हूँ, ये नहीं बता पाएंगे। तुम बताओ। देखिए, इन्होंने कहा मेरे मोहल्ले में आओ, रामलीला की रसल वहाँ करेंगे, इसलिए ये हमको हनुमान का पाठ दे रहे हैं रामलीला में। हनुमान का पाठ तुम लगते भी हो, लेकिन ये तुम आगे कैसे लग गए? ये तुम आज आगे, कल पीछे चली जाएगी। देखो धर्मू, तुम एक शरीफ लड़के हो, हम नहीं चाहते कि तुम इस तड़ी पार के साथ दोस्ती करो। हम तुम दोनों को इकट्ठा भी नहीं देखना चाहते। तड़ी पार, अबाउट टिन, अबाउट टिन। अबे टिन, टिन नहीं साहब, टर्न। हाँ वही, हो जाओ, जाओ। ए धर्मू, तुम इधर, अबाउट टिन, चलो चलो। रामलीला करेंगे, अरे हमारे मूछना होती तो हम राम का रोल करते। बबुआ, अब तो बता दे हमको, तू कहाँ ले जा रहा था और तेरा मेरा झगड़ा क्या है? अरे भाई, तेरे साथ हमारा कोई झगड़ा नहीं। माखन सिंह ने कहा था अगर तुझको लेके जाके उसके वहां छोड़ दे तो हमें 50,000 रुपया मिलेगा। 50,000? हाँ। अरे ये तो फायदे का धंधा है, बोल 50-50 करेगा? वो क्या, आधा आधा? अरे नहीं, हमको 50,000 रुपया चाहिए, बहुत जरूरत है। और अगर 50,000 रुपये से ज्यादा आ गया तो? वो कैसे? देख, चक्रधारी एक चक्कर चलाएगा, चक्कर चलता रहेगा, माल आता रहेगा। ये ले और ले चल मुझे माखन सिंह के पास। सिर नीचे करके चल। इरानी थोड़ा ऊपर कर चले। लो ठाकुर, हट। ठाकुर, तुम जिंदा लाने को कह देना, इसलिए थोड़ी देर होगी, नहीं तो साले की लाश को कल ही तुम्हारे दरवाजे लगा पटक देता। हता क्या? इधर तो कुल्ला है, कोई दरवाजा नहीं है, चार पहाड़ है, 1.5-2 अदद घोड़ा है। एक ही शौक था बचपन से, बोलने का शौक था। जब मैं पैदा हुआ ना, पैदा होते ही मैंने कहा, मैं कहा हूँ। बीमार सिंह। जी सरदार। डाकू भाई, ये बीमार सिंह है तो सेहतमंद सिंह को आवाज मत दीजिए। अभी तुम्हारी बोलती बंद कर देते हैं। नहीं ठाकुर, इसका जो कुछ भी बंद करना है तुम कर दो, लेकिन हमारा 50,000 हमको दे दो। आओ। हाँ बेटे। ये लो बीमार सिंह। ये लो, तुम्हारा इनाम। हमारा इनाम नहीं, हमारी मेहनत है। मेहनत तो मैंने भी आधी की है, आधा हिस्सा मेरा भी होना चाहिए। तुम्हारे लिए हमारे पास गोलियां बहुत हैं। बोल कितनी खाएगा? आज नहीं, आज उपास है हमारा, आज हमारा करवा चौथ का व्रत है। अरे नहीं नहीं ठाकुर, ठाकुर होके ये अधम मत करो। पहले तो मरने वाले की आखिरी इच्छा पूछ लो, फिर इसको मार दो। ठीक है, तुम्हारी बात भी रखते हैं। बोल चक्रधारी, तू कैसी मौत मरेगा? बड़ी मौत। बचपन से यही इच्छा थी कि मैं बड़े लोगों की तरह मरूं, इसलिए पाल पोस के अपनी गर्दन को मैंने मोटा ताजा तगड़ा बनाया है।
मुझे फांसी का फंदा चाहिए। बीमार सिंह, मरने वाले की आखिरी इच्छा पूरी की जाए। उस पेड़ पर कोई मोटी तगड़ी डाल ढूंढकर इस मुद्दई की औलाद को लटका दो उससे। थैंक यू ठाकुर डाली, बाय बाय धर्मु डालिंग, कम ऑन बीमार डालिंग। ठाकुर ठाकुर, पहले हमको दूर जाने दो, हम फांसी लगते नहीं देख सकते। हाँ चल निकल ले। हाँ तो चक्रधारी, अंडा पसंद आया? हाँ बहुत चकाचक है। बस अफसोस अब यही है कि तुम्हारी गर्दन लंबी हो जाएगी। ले ओ, अफसोस कौन बात का, बचपन से हमरी यही ख्वाहिश थी कि हमरी सुराहीदार गर्दन हो। अच्छा है, तो जीप चलवा दें? हाँ चलवाई दियो। मुद्दई की औलाद जीप खिसका लो, फर्स में डाल के निकाली हो। अब चक्रधारी का चक्कर शुरू हो गया है। अब तुम माखन सिंह के पास जाओगे, वो दोबारा तुमसे कहेगा मुझे पकड़ने के लिए, और हमको फिर से 50,000 रुपया मिल जाएगा। कौन सी जेल में पड़े हो बबुआ, अगर दोबारा जुर्म करो तो सजा दुगनी मिलती है। अबे किशनलाल फेंक फेंक। अरे, अरे इतने सारे पैसे के साथ देख लेगा तो जेल भिजवा देगा। नहीं नहीं, अब ये हमको फेंक। ए तड़ीपार, आज फिर यहाँ क्या रामलीला का नाटक कर रहे हो? ए धर्मू, देखिए वो हनुमान है जो राम को भी बिगाड़ देगा। तुम दोनों यहाँ इस सुनसान जगह में क्या कुतर पुतर कर रहे हो? हम लोग भरत मिलाप कर रहे हैं। भरत मिलाप? भरत मिलाप जी। तड़ीपार, अगर मैंने अपना टेम्पर टाइट कर दिया ना, टेम्पर लूज हाँ लूज कर दिया ना, तो तुम दोनों का मिलाप कभी नहीं होने दूंगा, समझे? चलो जाओ, इधर नहीं आज तुम उधर जाओ। धर्मू चलो तुम इधर चलो, गेट आओ। पैसे की थैली पानी में चली गई। अच्छा ही हुआ चली गई, अपने पैसे तो वैसे ही पानी में जाने वाले थे, शराब में जाने वाले थे, मगर तुझ जैसे शरीफ आदमी के साथ ये नहीं होना चाहिए था। एक बात बता, इतने पैसे के साथ तू करता क्या? बोल। तेरी आंख में आंसू। हमारा साला भाग्य खराब है, पैदा होती अनाथ हो गए हम, फिर जिनको मां जाना उनकी नजर में भी चोर बन गए। चोर? हाँ, उनके सारे जबर हमसे चोरी हो गए। चोरी क्या भैया, यूं समझो हमसे कोई धोखा करके सारे जबर ले गया। और तुम्हारी मां ने तुम्हारी बात नहीं मानी? मां तो मान जाती, लेकिन वो ससुरा मुनीम आग में घी का काम करता रहा, कहने लगा ठाकुरैन हम तो बोलते थे नौकरों पर भरोसा नहीं करो, और मां बेचारी भोली उसकी बातों में आ गई, बोली जा धर्मू तू घर से निकल जा, और आज से यह जान ले तू मां खो बैठा। लेकिन भैया हम तो मां नहीं खो सकते भैया, सच पूछो तो संसार में जो कुछ भी हमारे पास है वो हमारी मां है और कुछ नहीं। तू तो फिर भी खुशकिस्मत है दोस्त, तेरे पास कोई तो है अपना कहने वाला। मुझे देख, ना कोई भाई कहके पुकारने वाला, ना बेटा कहके पुकारने वाली। लेकिन भैया हम तो मां होते हुए भी अनाथ हो गए,
जब तक कहीं से पैसा लगकर हवेली ना छुड़ा दूं, माँ मुझे चोरी समझेगी, बेटा का घर कभी नहीं पुकारेगी। अरे तू फिक्र मत कर यार, देख तुझे 50,000 रुपए चाहिए ना? हाँ। अब तेरी माँ का एक बेटा नहीं, दो बेटे। मैं तुझे 50,000 रुपए दिलवाऊंगा, तेरी माँ दोबारा तुझे बेटा कहेगी। लेकिन भैया चक्कर चलाऊंगा, तू देख। मक्खन सिंह के पास चल। लो ठाकुर, फिर पकड़ ला। अब की बार होशियारी से फांसी लगाना, अगर ये जिंदा रह गया ना तो मुझे मार डालेगा। हाँ। आपने कहा था अगर पकड़ लाए तो फिर मुझे 50,000 रुपया मिलेगा, तो लाओ मेरी मजदूरी। हेलो। अरे ये हुई ना बात, लो पकड़ो। काहे मरने वाले की आखिरी इच्छा नहीं बताओगे क्या? अरे हम क्या बताएंगे, पूछो इस अपराधी से। इस बार वो अपराधी अकेला नहीं है, उसके साथ एक और भी है। और कौन? जो उस दिन चक्रधारी को छुड़ा कर ले गया था। जरा पानी पी कर आता हूँ। सलाम सब। आ वापस आओ। हम क्या किया? सलाम। हाँ तो चक्रधारी, अब बोल तू कैसे मरेगा? चक्रधारी का तो चक्कर ही उल्टा हो गया। अब हम मरना नहीं चाहते, हम जिंदा रहना चाहते हैं, अगर आपकी आज्ञा हो तो। मुश्किल है, ये तो बहुत मुश्किल है। खैर धर्मू, तेरे दोस्त की तरह तेरा भी कोई बचपन का शौक है क्या? अरे अगर कोई शौक है तो हमको बोल, हम तुम्हारा शौक पूरा करेंगे। बोल। नहीं है, लेकिन हमारे बचपन का एक बहुत शौक है। पूछो क्या? पूछ। अबे मुद्दे की औलाद पूछ। हम चाहते हैं हम एक गोली से दो आदमी का शिकार करें। चला जा अपने दोस्त के सामने, आ जा सामने। दोस्त ये दीवार पे इतनी जोर से मार रहा है जैसे उसके अंदर कुछ पैसे दबे हुए हैं। तू मारेगा 50,000 रुपए बाहर आ जाएंगे। ये गुस्से का काम नहीं है मेरे भाई, अकल से काम कर। मुझे लगता है तेरी माँ की हवेली तुझे वापस मिल जाएगी। वो कैसे? मेरे पास एक खबर आई, पूरन मासी को आदिवासियों का एक कबीला जंगल में बहुत सा असला लेके आ रहा है, बंदूकें वगैरह, और माखन सिंह और उसके आदमी वो असला उनसे लेने के लिए, खरीदने के लिए आएंगे, और तू और मैं। हेलो।
माँ कसम माँ कसम माँ कसम बिंगो 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 मैं हूँ बिंगो रिंगो 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 मैं हूँ रिंगो संभल के रखना हर कदम करेंगे छुट्टी माँ कसम माँ कसम माँ कसम बड़ी है पटाखा जरा सी ये पोटी दिल ना चुरा ले ये छोटी कमरिया है पतली उमरिया है छोटी आंखें बड़ी मोटी मोटी बड़ी है पटाखा जरा सी ये पोटी दिल ना चुरा ले ये छोटी कमरिया है पतली उमरिया है छोटी आंखें बड़ी मोटी मोटी लगे हैं पापी बेशरम बनेंगे हम भी बेरहम करेंगे छुट्टी मागसम 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 बिंगो 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 मैं हूँ बिंगो रिंगो 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 मैं हूँ रिंगो और लागे नजरिया तो अच्छी बता दूं मैं सच्ची लगे है तू अच्छी थोड़ी जवानी है कच्ची लपा लप यू नाचे उछलती है मच्छी और लागे नजरिया तो अच्छी बता दूं मैं सच्ची लगे है तू अच्छी थोड़ी जवानी है कच्ची जा 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 टुकड़े टुकड़े कर डालूंगी समझा है क्या बच्ची लगे है पपी कुछ गरम मगर है इसका दिल नरम करेंगे छुट्टी मागसम 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 बिंगो 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 मैं हूँ बिंगो रिंगो 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 मैं हूँ रिंगो संभल के रखना हर कदम करेंगे छुट्टी माँ कसम माँ कसम माँ कसम अब हम चलते हैं हमको जाने दो नहीं जाने दूंगी नहीं जाने दूंगी नाच गाना खत्म हो गया हमारा काम फिनिश नहीं जाने दूंगी
तुम यही रहोगे और मुझसे शादी करोगे। मामी! नहीं जाने दूंगी बापू। ए भगवान, ए भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, लाख लाख शुक्र है, इसे कोई तो पसंद आया। जवाई राज नाना करना, क्यों भाइयों, इसकी शादी कर दूं? मगर 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 साहब, मैं बहुत खराब आदमी हूँ। चलेगा चलेगा। मैं दारू पीता हूँ। चलेगा चलेगा। मैं जुआ खेलता हूँ। वो भी चलेगा, वो भी चलेगा। मैं कोठों पे जाता हूँ, कोठों पे। चलेगा चलेगा। मैं गांजा मारता हूँ। चलेगा चलेगा। एक प्रॉब्लम है मेरा। क्या? मेरी 10 बीवियां हैं, इनसे कर लूंगा मेरी 14 हो जाएंगी। वो भी चलेगा, वो भी चलेगा, वो भी चलेगा, चलेगा, भी चलेगा। अरे जाते कहाँ हो, हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। प्यारे भाइयों, इसे पिंजरे के अंदर बंद कर दो। अरे जाओ इसे, अरे छोड़ो सालिमाओ, तुम सब मिलके इससे शादी क्यों नहीं कर लेते? कैद में है बुलबुल, सयाद मुस्कुराए। जवाई राज, अच्छी तरह से सोच लो, जब तक हाँ नहीं करोगे इसी पिंजरे में बंद रहोगे। अच्छा चलो भाइयों, जाओ भाइयों, कहा भी न जाए, चुप रहा भी न जा। ये मेरे प्यार की पहली निशानी। हाउ स्वीट। ये मेरे प्रेम की आखिरी निशानी। हाँ, मुझे थोड़ा सोचने का वक्त भी चाहिए ना। तुम फिलहाल जाओ, इसके साथ गुजारा करो। जाओ। मैं जाऊँ? जाओ ना। मैं जाऊँ? जाओ ना। अच्छा हाँ कहना। हाँ हाँ हाँ, नकर कहीं के। आना हाँ, आना। आई, लगता है इस अंगूठी का और मेरा जन जन्मांतर का साथ है। तुम यहाँ कैसे? इंस्पेक्टर साहब, अब हमारे साथ हवेली चलिए। हवेली किस लिए? हम ठेकेदार को देने के लिए 50,000 रुपया लाए हैं, आप माँ की हवेली वापस दिला दीजिए। देखा सिस्टर, इंस्पेक्टर किशनलाल जानता था कि धर्मू अच्छा लड़का है, इसके मन में कोई पाप नहीं, ये चोरी कर ही नहीं सकता। हाँ इंस्पेक्टर साहब, हम चोर नहीं है, हम चोरी कैसे कर सकते हैं? हमारी माँ ने हमें चोरी करना सिखाया जो नहीं, फिर भी हम पर चोरी का इल्जाम लग गया। हमें उस इल्जाम का दुख नहीं है इंस्पेक्टर साहब, हमें दुख है कि हमारी मां ने यह विश्वास कर लिया कि हमने उनके जेवर चुराए हैं। अगर हम चोरी करते इंस्पेक्टर साहब, तो 500 रुपए जुर्माना के लिए जेल जाना मंजूर नहीं करते। अगर हमारे पास पैसा होता तो अपनी जान जोखिम में डालकर मां की हवेली छुड़ाने के लिए डाकुओं से ना जा भिड़ते। अब हमारे पास पैसे हैं, हम ये साबित कर देंगे कि हम चोर नहीं हैं। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, हम पर से हमारी मां का जो विश्वास उठ गया है, वो हम कहां से वापस ले आए? वो हमसे रूट गई हैं इंस्पेक्टर साहब, जिसने बोल दिया था जा धर्मू, आज से तूने अपनी मां खोती है। हम उन्हें कैसे यकीन दिलाए इंस्पेक्टर साहब, हम उन्हें कैसे मनाए कि हमारा तो इस दुनिया में भगवान भी नहीं है, सिर्फ माँ है, माँ। धर्मु, मुझे माफ कर दे बेटे, मुझे माफ कर दे। माँ, ले उठा 50,000 और हमारी मां की हवेली खाली कर दे। बादल सिंह कहां है? आपके आने की खबर पहुंचा दी गई है सरदार, बताते ही हो। आते ही हमें आ क्यों नहीं अभी तक? वो सरदार, हवेली तो वहां से चली गई है, लेकिन ठकुराइन के जेवर मैंने संभाल के रखे थे। ठकुराइन के जेवर? ये लो। Thank you.
बस। अरे सुनो, जेवरों में एक अंगूठी थी, ये काम किससे करवाया तुमने? कालू से। कालू को फौरन बुलाओ। वो अंगूठी मैंने अपने खर्चे बने के लिए रखी थी, चूहे में हार गया। चूहे में हार गया? किसके आ गए? चक्रधारी के। हराम ज़ादे, उस अंगूठी की कीमत तेरी जान से ज्यादा थी। माखन सिंह, मुझे चक्रधारी चाहिए जिंदा। नहीं करना, ये छोड़ना, छोड़ना। थैंक यू मेरे दोस्त। अबे 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 अबे, चक्रधारी को चक्कर दे गया, लगता है इसमें मेरे पुरखों की आत्मा है। खैर, एक अंगूठी में आजादी मिल गई। चक्रधारी, कहाँ रह गया था तू? मैं तुझे ढूंढने जा रहा था। अरे यूं समझो, हमको तुम बजरंगबली जी ने बचाया। हे भैया, हम तेरे बहुत आभार हैं। भारी तुम कैसे? भारी एक तो वो सरदार की बेटी और भारी दूसरे हम, तुम कैसे? भैया, तेरे कारण हमारी माँ को उसकी हवेली मिल गई और हमें हमारी माँ। चल, हम तुझे अपनी माँ से मिलाते हैं। अरे चल चल चल। अरे इसका सुहाग और गोद तो मैं कब की उजाड़ चुका हूँ, फिर ये धर्मों कहाँ से पैदा कर दिया इसने? मैं बताती हूँ, ये उस पार्वती का बेटा है जिसका तूने खून किया था, लेकिन वो मुझे माँ मानता है और उसका कमीना बाप तू है। अरे ठकुराइन, ऐसे बेटे ने जाने कहाँ कहाँ गलियों में घूम रहे हैं। माँ कहलवाने का इतने शौक है तो और भिजवा दूंगा। बलवंत, लाओ मत ठकुराइन। इस वक्त मुझे चक्रधारी चाहिए और मैंने सुना है कि वो तुम्हारे बेटे धर्मों का जिगरी दोस्त है। कह देना कि अगर वो ठकुरा इनका जिंदा मुंह देखने चाहता है तो कल सूरज निकलने से पहले माखन सिंह के अड्डे पर चक्रधारी को लेकर आ जाए। मेरे हाथ से भैया, धर्मू भैया सारा गांव तुम्हें ढूंढ रहा है। क्यों, क्या हुआ? ठकुराइन को बलवंत सिंह उठा के ले गया। बलवंत सिंह कौन? ठकुराइन कह रही थी बलवंत सिंह तुम्हारा बाप है, उसने तुम्हारी असली माँ का खून किया था। मेरा बाप, मेरी माँ का खून? उसने कहा है चक्रधारी को लेकर सुबह तक माखन सिंह के अड्डे पे ना पहुंचे तो वो ठकुराइन को भी जान से मार देगा। मैं जन्म देने वाली माँ को तो बचा नहीं सका, लेकिन पालने वाली माँ को बचाने के लिए उस पापी को खत्म करना ही होगा। ये मैदान जोश से नहीं, होश से फतह करना है। सबसे पहले तो इस बात पर गौर कर कि बलवंत सिंह को चक्रधारी की जरूरत क्यों आन पड़ी। भागल सिंह, तुम ऊपर जाओ, उन दोनों का इंतजार करो। जैसे धर्मू चक्रधारी को लेकर आए, तुम प्यार से अंगूठी निकाल कर यहां आओ। जाओ। ठीक है। हाँ तो ठेकेदार, क्या हुआ तुम्हारे उस नाच गाने का? सरदार, शहर से ऐसी चीज मंगाई है जो ठुमका लगा के दिल निकाल लेगी। अच्छा। अनारकली नाम है उसका। अनारकली? हाँ। आ गए
चक्रधारी है? अरे चक्रधारी कहाँ का भाई, चक्र तो कुरुक्षेत्र के मैदान में रह गया, अब तो सिर्फ धारी बाकी है। अपने सरदार को बोलो मैं चक्रधारी को ले आया, मेरी माँ को मेरे हवाले करते हैं। ठीक है। अरे सुनो भाई सुनो, सोचो इसमें तुम्हारी भी जिंदगी और मौत का सवाल है। वो कैसे? ऐसे कि हम भी बदमाश हैं, तुम भी बदमाश हो, है हम दोनों को आपस में एक दूसरे के फायदे की सोचनी चाहिए। मतलब यह है मेरा, देखो ये मुझे पकड़ के लेके आया है अपने फायदे के लिए, तुम मुझे जाकर सरदार के हवाले करोगे उसके फायदे के लिए, नुकसान किसका होगा? तुम्हारा और मेरा, और फायदा इन दोनों का होगा। सोचो जान जाएगी तो हम दोनों की जाएगी ना, है? अब बताओ मेरे दोस्तों क्या ये जायज है, क्या ये इंसाफ है? तुम लोगों का यूनियन नहीं है कोई यूनियन? ये यूनियन क्या होती है? ओफो, यही तो गांव के डाकू मार खाते हैं, यही नहीं समझते तुम लोग? देखो अब ये गांव का डाकू था, इसको मैं ले गया शहर में, शहर के डाकुओं की यूनियन में, हम आ जाके इसने अपना नाम लिखवा दिया। अब बोलिया देखो इसका है, लगता है ना हीरो, घूम जा घूम जा। हाँ इस आदमी ने क्या किया, वहाँ वहाँ जाके अपना नाम लिखवा दिया, दो चार नारे लगा दिए, उसका महंगाई भत्ता चालू हो गया, TA DA प्रोविडेंट फंड सब कुछ। आप नारे लगाने हैं तो सुनो, डाकू यूनियन हमारी मांगे पूरी करो, डाकू यूनियन जिंदाबाद हमारी मांगे पूरी करो। क्या मत है, क्या लानो, क्या हो रहा है, कुत्ता की तरह क्यों चिल्ला रहे हो तुम लोग? सुना तुम लोगों से कह दिया कुत्तों की तरह भौंक रहे हो चिल्ला रहे हो, अगर तुम लोगों का यूनियन होता तो इसकी मजाल नहीं होती बोलने की, जैसे ही बोलता तुम लोग हड़ताल कर देते, डाकुओं की हड़ताल, गोलियां बंद, डाके डालना बंद, टोटल लॉकडाउन। हाँ जी, तुम क्या बोल रहे हो? कुछ नहीं साहब, इनको गीता का उपदेश दे रहे थे हम। अरे गीता का उपदेश, ये तो बड़ी अच्छी बात है। चलो ना अंदर खाना खाएंगे, हम भी कुछ गीता का उपदेश लेंगे। हाँ हाँ चलो 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 धर्म, तुम भी चलो ना आओ। सुना अब मुझे अंदर ले जाके भड़काएगा, खाना खिलाएगा, बोलेगा मेरे जितने भी डाकू हैं सब के सब नामर्द हैं, कोई काम नहीं जानते, डाकू यूनियन जिंदाबाद। हाँ बिल्कुल ठीक, डाकू यूनियन जिंदाबाद, हम अपनी यूनियन, डाकू यूनियन जिंदाबाद। आओ चक्रधारी बैठो, बहुत अच्छा खाना है। आप बहुत महान हैं डाकू भाई जी, बहुत महान हैं आप। देखिए आपकी हमारी कितनी बार खटक चुकी है, लेकिन आप फिर भी हमारी कितनी आवभगत, कितना स्वागत करते हैं। चक्रधारी हम तुम्हारी रोज खातिर करेंगे, हमारे सरदार ने कहा है कि तुम्हारे पास एक अंगूठी है और उस अंगूठी के लिए सरदार तुम्हें मुंह मांगी रकम देने को तैयार है। देखो ना, देखो कर गए ना वो लोग, अब वो लोग अंगूठी हाथ मिलाने के बहाने जो अंगूठी उन्होंने उतार ली मेरे हाथ। ओ हाँ हाँ, जी जी जी, आपके डाकू में पॉकेट मार भी है। वो अंगूठी गई गई गई, वो अंगूठी गई, अब आपको नहीं मिल सकती वो। हम ले लेंगे उनसे। नहीं आप नहीं ले सकते, वो लोग नमक हराम है। अरे हम उनका नमक उतार देंगे। अरे वो कह रहे थे हरामजादे कुत्ते की औलाद, हम तुम्हारा पानी उतार देंगे। अरे मैं देखता हूँ कान में कितना पानी है। अरे वो कह रहे थे आप कुछ देख ही नहीं सकते साहब, आप कुछ है ही नहीं। हम कुछ नहीं है। नहीं है, हम उनको जाके बता देंगे हम कौन है। अरे ओ मुद्दे की औलादो, इधर आओ। अबे मुद्दे की औलादो भी कोई गाली होती है? इनके माँ बाप को सुअर का, कुत्ते का, गधे का रूप दो। अरे सुअर के बच्चों इधर आओ। ये देखा, ये आहिस्ता चल के आना जो है ना, ये नमक हरामी की पहली निशानी है, इनसे कहो जल्दी आए। तुम लोग नमक हराम हो क्या, दौड़ के नहीं आ सकते? एक और गाली दे दे। गधे के बच्चे, सुनो तुम में से किसी के पास चक्रधारी की अंगूठी है, हमको वो अंगूठी चाहिए, आप भी जेब से निकाल के दो। ऐसे नहीं देंगे, लालच दो पहले, लालच बोलो अंगूठी दो, मैं 20,000 रुपए देता हूँ। अबे देना किसने है, खाली बोलने की बात है, तुम बोल के तो देखो, जलील डाकू है ना। जो हमको अंगूठी देगा हम उसको 20,000 रुपया देंगे। ऐसे नहीं होता। अरे देखो ये लातों के भूत हैं, इनसे कहो एक दूसरे को मार मार के वसूल करें, और घूसों की आवाज तुम तक आनी चाहिए। ए सुनो, एक दूसरे को मार मार कर जेब टटोलो और अंगूठी निकालो, घूसों की आवाज हम तक आए। बोल मेरी माँ को कहाँ रखा है? बोल। तुम लोग वहां नहीं जा सकते, तुम्हें देखते गोली मार दी जाएगी। तो हमको खाली जगह बता, गोली से बचने के लिए चक्रधारी को चक्कर चला लेगा। बोल।
वहां फाटक के पास सीढ़ी है। चल। ठेकेदार पेश किया जाए। एक कमसिन कच्ची कुआरी कली नाजो की पली साचे में ढली जिसे देख कर पानी पानी हो मुगले आजम की अनार कली। पेश करता हूँ ऐसी हसीना हुजूर देख के जिसको आए पसीना हुजूर। पसीना हुजूर पेश करता हूँ ऐसी हसीना हुजूर देख के जिसको आए पसीना हुजूर। पन घट पे नंद लाल छेड़ गयो रे मोहे पन घट पे हो मोरी नाजुक कलैया मरोड़ गयो रे मोहे पन घट पे हाँ मोहे पन घट पे बदन ये उमर ये कमर तेज तलवार है तीखी तिरछी नजर हाय जन्नत से उतरी है गलती से ये चांद तारों का पत्थर जिगर चीर कर ऐसे चलती है जैसे ही माला चले दिल को चलते दीवानों का कदमों तले आए भूचाल जब नाचे ये झूम के मारे ठुमका तो ये धरती अंबर हिले हो आँख लड़ जाए इससे कभी जो कहीं आए फट जाए पर्वत का सीना हुजूर उसम ये देखा होगा कहीं ना हुजूर देख के जिसको आए पसीना हुजूर पेश करता हूँ ऐसी हसीना हुजूर देख के जिसको आए पसीना हुजूर क्या किया तो डरना क्या जब प्यार किया तो डरना क्या मरना है मार के सबको मरेंगे ऐसे अकेले मरना क्या जब प्यार किया तो डरना क्या जब प्यार किया तो डरना क्या गजब है कहर है कयामत है ये तौबा कुदरत की जालिम शरारत है ये इश्क में इसके लाखों यहां मर मीटे एक
शामत है ये एक आफत है ये हो दिल करोड़ों का छीना है इसने यहाँ इस पे कुर्बान है लाखों शाहे जहाँ जो भी देखे इसे देख कर दंग हो ये जहाँ जाए इसके लिए जंग हो होने वाला आए हाय होने वाला कयामत से है सामना आपका अब तो मुश्किल है जीना हुजूर उसने ये देखा होगा कभी ना हुजूर देख के जिसको आए पसीना हुजूर पेश करता हूँ ऐसी हसीना हुजूर देख के जिसको आए पसीना हुजूर कुछ नहीं ये ना मैंने ऐसे क्या खजाने का रक्षा है इसमें ठाकुर साहब ने लिखा है इस खजाने के पैसे से हनुमान मंदिर बनाना है एक विशाल मंदिर मेरी चिंता बरकत उसके बलवंत के पीछे जा Yeah.
खजाना मिल गया। बजरंगबली, मैं तुम पर विश्वास नहीं करता हूँ, लेकिन तुमने मुझे फिर भी खजाना दे दिया। मैं पागल हो जाऊंगा। खजाना मिल गया। भगवान की अमानत हटाने को बचा ले, तुझे माँ कसम है।